कब्जा कब्जा कब्जा। XMLA का कब्जा छुड़वा रहे ने आम आदमी पार्टी दे MLA सा। MLA डॉक्टर अजय गुप्ता जी जिंदाबाद। MLA डॉक्टर अजय गुप्ता जी जिंदाबाद। डॉक्टर साहब दादीस गुप्ता जी जिंदाबाद। MLA डॉक्टर अजय गुप्ता जी जिंदाबाद। हुन कब्जे वाली थां ते MLA अमृतसर गुप्ता जी दी बल्ले बल्ले क्यों हो रही है? ए सवाल तुहाडे ज़हन च आंदा होएगा पर इसका जवाब भी दे देने आ, क्योंकि यह वीडियो कब्जा लैन दी नहीं बल्कि कब्जा छुड़ान दी है। यानी कि दसिया जा रहा है कि MLA साहब कब्जा छुड़ान पहुंचे ने एक XMLA दे परिवार तो। MLA खुद आके कब्जा हटावे ये कोई गलत नहीं ना बनदी। नोट्स दरअसल ए पूरी जमीन अमृतसर नगर निगम दी है। इस जमीन दे उते एक बुलारिया परिवार दा कब्जा सी। हालांकि ए परिवार अपने आप नू किराएदार दस रहा सी, ओ भी नगर निगम दा। नाल ही कह रहे सी कि नगर निगम ने आप ही किराया लेना बंद कर दिता। पर हुन सरकार ने सरकारी जमीना तो कब्जा छुड़ान दी मुहिम शुरू कीती है। बस ऐसे मुहिम च कब्जा छुड़ान पहुंच गए नगर निगम दी टीम एना दी थां ते। बस फिर किसी MLA साहब नाल थी पूरा जलवा दिखाया सरकार ने। मिनटा च जमीन छुड़ा ली, यानी कि साला दा कब्जा मिनटा च खाली हो गया। कब्जा तो छुट्टिया डॉक्टर अजय गुप्ता जो कि अमृतसर दे MLA ने, उन्होंने भी बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि इन्ना हुम हुमा के शायद ही कदी नगर निगम की टीम शहर चो कब्जा छुड़वाण पहुंची होवे। ते इस बार नगर निगम की टीम ने सालों तो अपनी जमीन ते होया कब्जा छुड़वा लिया। दूसरे पासे जो जमीन ते काबज सन ओ बुलारिया परिवार का कहना कि उन्होंने नाल धक्का किया गया है। ना तो कोई नोटिस दिता गया, ना ही कोई जानकारी, ना ही मौका, सीधा कब्जा लैन आ गए। उन्होंने तो MLA साहब से भी सवाल चुके कि MLA साहब खुद कब्जा लैन किवें आ गए, क्योंकि सरकारी जमीना का कब्जा MLA नहीं लेंदे। दूसरे पासे MLA का दावा है कि पंजाब सरकार की पॉलिसी है सरकारी जमीना छुड़ाना है, तो इस पॉलिसी अमली जामा पहनाने वास्ते वो हर संभव कोशिश कर रहे ने। मौके ते अज की कुछ होया आओ तुहानू दिखाने आ। दैनिक पेल पंजाबी टीवी लई अमृतसर तो जगदीप सिंह दरबार। जो मार्केट रेट देनी मैं तैयार हाँ। मैं एज ए लॉ गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं भजदा। जो कानून लोगों वास्ते प्लीज मेरे वास्ते भी करो। पर मैं गाना भी जमीन साड़ियां ही जो नहीं सर। पर सर तुम घट तो घट जमीन अपनी एज ए कानूनी तौर पर देओ ना। कोई नोटिस कारण की जो कार्रवाई प्रशासन वाले मैं धक्का ही होगा जी। पता यह धक्का होया कभी तुम कभी वेख्या कभी कोई MLA आके कब्जा दवा हो बुलारियां जी तो दसो मैं जो मैं प्रॉपर्टी ले ली सरकार की लैली मैं गुना कर लिया। मैं एक एज ए कानून कानून तौर से जान दिया यह तो टोए पे जमीन सी पदरी मैं की आ गई पार्टी बाजी पार्टी बाजी है जी।
ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਂ ਦਿਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਭੇਜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਵੂਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।